छत्तीसगढ़ पवार कंपनी में लाइन परिचारक भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा अचानक स्थगित किए जाने से नाराज 2500 संविदा कर्मी एक बार फिर से आक्रोशित हो गए हैं। ये कर्मी 18 फरवरी 2022 से कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। संविदा कर्मियों में कंपनी प्रबंधन द्वारा 21 से 26 फरवरी 2022 तक आयोजित होने वाले दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित किए जाने से खासी नाराजगी है। विद्युत संविदा कर्मी भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की लगातार मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि पावर कंपनी प्रबंधन संविदा कर्मियों के साथ खेल रही है, बार बार भर्ती प्रक्रिया स्थगित किए जा रही है। विद्युत कंपनी प्रबंधन संविदा कर्मियों के साथ साथ प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ भी इस कदर खिलवाड़ कर रहा है जिससे अभी अभ्यर्थी परेशान है। संविदा कर्मियों का कहना है कि यदि लाइन परिचारक भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरा हो जाता है तो संविदा कर्मियों में अपने नियमितीकरण का भय समाप्त हो जाता, जिससे समस्त संविदा कर्मी उत्साह और जिम्मेदारी से अपने अपने कार्य को निर्वहन करेंगे। सबसे पहले तो हमारे दो सूत्री मांग है, एक है हमारे जो जितने पावर कंपनी में समस्त संविदा कर्मचारी के नियमित किए जाए, दूसरा हमारे जो शहीद हुए हैं भाई उनको जो अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, और कंपनी प्रबंधन हमारे खिलाफ बहुत सी साजिश रच रहे, जैसे पूर्व में भी हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन किए हैं जिसमें लिखित आश्वासन होने के बावजूद भी दो दिन पश्चात स्थगित कर दिया परीक्षाएं, जिससे हम लोग नियमित नहीं हो पा रहे हैं। दिन ब दिन हमारे संविदा कर्मचारी तो जाने जा रही हैं, क्योंकि हमारा काम जो है इस प्रकार का कार्यशैली है कि पोल में चढ़ के खतराओं से खेलना पड़ता है, जिससे हमको बहुत बहुत सारी तकलीफें होती है। हाँ, 8000 का जो नौकरी पहले करते थे तो जबरदस्ती हमारे ऊपर ओवरहेड लाइसेंस थोपा गया और पूरा कार्य कराया जा रहा है, और ले दे के जब 3 साल 8 साल काम कर रहे हैं उसके बाद फिर ले दे के जब हड़ताल किए उसके पश्चात ही